सुनने दिख रहा है, अब क्या सुनने में हम आपको बताएं, सुनने में तो फिर वो तुक्का ही लगेगा, हजार शेर होगा, तो वो तुक्का आपको इसके अंदर तो बिठाना ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा शेर का तुक्का अगर इसके अंदर लगाया तो कहीं ना कहीं वो दिल पे मुक्का लग जाएगा सर, ये भी जानना चाहिए। हम आगे के लिए करते हैं उसकी हम नींव रखते हैं, मकान भी अगर हम बनाएंगे सबसे पहले हमें उसकी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च सिक्स, और आज बात करेंगे सर जीटीएल सही है या एचएफसीएल सही है, इसके बारे में भी एक चर्चा करेंगे और बात करेंगे सर जीएमआर इंफ्रा की। सर इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं कि जो भी चीज हम आगे के लिए करते हैं उसकी हम नींव रखते हैं, मकान भी अगर हम बनाएंगे सबसे पहले हमें उसकी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, फिर उसमें नींव खोदनी पड़ेगी, उसके बाद ही फिर सब कुछ तैयार होता है। इंसान भी जब बड़ा होता है पहले वो बच्चा होता है, तो हर चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है, ये आपको जाननी पड़ेगी। एकदम से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनता, एकदम से कोई भी कोई अच्छा आदमी नहीं बन सकता, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हमारे लिए क्या एक प्रगति हमें बता रही है कि हमें करना क्या है, हमें करना है वेट। जब हम किसी खेत में कुछ उगाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई गमले में कोई फूल लेके आया, फूल का पेड़ लेके आया, आपका फूल तो है नहीं इसके अंदर, लेकिन कुछ दिनों तक जब उसमें लगातार आप पानी डालते रहते हैं उसमें फूल निकल जाता है। शहरों में, लेकिन गाँव में जैसे मैं जाता रहता हूँ वहाँ पर, तो मैं सर खेती देखता ही रहता हूँ कि वहाँ पर जब मैं निकलता हूँ तो वो गाँव वाले क्या करते हैं, अपने खेत में पानी डालते हैं पहले, फिर उसको अच्छा करके उसके अंदर फिर वो बीज डालते हैं। तो यानी कि शुरुआत तो करनी पड़ती है, तो यही एक मार्केट होती है जिसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि शेयर लेने से ज़्यादा शेयर को लेकर बैठना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपको बता दूं HFCL जिस तरीके से अपनी बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है, इसमें 2 साल का वक्त इसे लग सकता है सर, मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से इन्होंने अपना लॉस भी प्रस्तुत किया गया था उसकी वजह से काफ़ी निगेटिव संकेत इसके अंदर निकल कर आए थे, और मैंने ही कहा था कि सर ये शेयर बहुत ही बेहतरीन जिसकी आवश्यकता 5G के लिए बन रही है। जिस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में भी ये काम करता है और अपनी 5G में भी अपनी दिशा निर्देश कर रहा है अच्छा, और विप्रो के साथ और क्वालकॉम के साथ भी अपनी पार्टनरशिप ये करके बैठा है, और क्वालकॉम के साथ तो सर जियो प्लेटफॉर्म भी पार्टनरशिप करके बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये HFCL आपको बुलंदियों तक जाने की राह एक दिखा रहा है। जिस तरीके से इनके बोर्ड ने अभी 650 करोड़ रुपए की एक मंजूरी देती है जुटाने के लिए, R&D के लिए 650 करोड़ रुपए और अलग तरीके से काम करने के लिए जुटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब अपने को अच्छा करने के लिए ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाले हैं। तो HFCL में मैं पॉजिटिव हूँ, और जिस तरीके से मैंने आपको कहा था ये शेयर काफ़ी बुलंदियों तक आपको ले जाकर दिखा सकता है, लेकिन वही चीज़ है ना सर कि जो शेयर 5G के लिए वर्क करता है वो अब सबकी नज़रों में आते रहते हैं, ये भी आपको समझना है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग ही चलती रहेगी, ये आपको समझना, लेकिन जो अगर इसके अंदर 2 से 3 साल कोई रुक गया तो ये अच्छे संकेत आपको दिखा सकता है, क्योंकि पूर्णतया 5G सारे जगह लॉन्च होने में उसमें साल लग जाएंगे सर, तो आपको ये भी समझना चाहिए। जो भी कंपनी 5G लॉन्च कर रही है वो पहले कुछ सिटी में करेगी, उसके बाद वो पूर्णतया उसको फैलाएगी। जिस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर है ये एक ज़रूरत है तार की सर, तो ये आपको जानना चाहिए। जिस तरीके से ये सर बाहर की दिशा भी देख रहा है, अमेरिका, यूरोप और इंडिया में, और सेनाएं के जो रक्षा के क्षेत्र होते हैं उसके अंदर भी अपनी संभावना को अच्छा तलाश कर रहा है, तो HFCL एक बेस्ट है आने वाले दिनों के लिए। अब बात करते हैं सर GTL इंफ्रा की, काफ़ी लोगों का पसंदीदा शेयर बन जाता है ये, इसलिए बन जाता है क्योंकि ये टावरों में काम करता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ सर ये 500 से 1000 तक शेयर लेने वाला शेयर है, इससे ज़्यादा इस शेयर को लेने से मतलब है घाटे में इसके अंदर में जाना। आप 1000 शेयर ले रहे हो, दूसरा 1 लाख भी शेयर ले सकता है इसके, ये भी बात रखना सर, क्योंकि 1 लाख शेयर वाला भी सोच रहा है किस तरीके से 20-25 में जाए और 20 लाख हो जाए। पॉसिबल है कि अगर हम 1 लाख शेयर ले लें और ये 20 में जाए और 20 लाख आपको आसानी से मिल जाएंगे, मार्केट से मिलेंगे नहीं सर, इसके अंदर ऐसे दिल टूट जाएंगे कि मजबूर होकर वो निकल जाएगा, भाई बस बनना नहीं, बस बुक करो, बस प्रॉफिट लॉस अपना, निकलो यहाँ से। लेकिन जब अब आप कम शेयर लेते हैं, 500 से 1000 शेयर लेते हैं, तो वो गिरावट दिखाए कुछ दिखा आपको, भाई 600 ही तो हुआ है, 1000 हमारा 600 ही तो हुआ है, ये तो 1000 तो मैंने इसे ख़त्म करने के लिए डाले इसके अंदर, तो तब इसके अंदर आपको प्रॉफिट आएगा। आप अजमा लेना इस बात को सर, ये पहले 5 के पड़ाव को पार करने दो, उससे पहले ये आपको स्त्री रुला रुला कर दिखाता रहेगा। और जिस तरीके से HFCL बड़े बड़े लोगों से अपनी पार्टनरशिप कर रहा है, विप्रो से कर रहा है, तो ये कि नहीं कर रहा किसी से भी कुछ भी चीज़ की, भाई ये इसमें कोई फंड आ जाए या कुछ आगे की चीज़ें इसमें पता लगे कि कुछ आने वाला है,
लेकिन HFCL में आपको दिख रही है वो चीज, तो जो चीज दिख रही है वो उसके अंदर आपको विलंब तो हो सकता है लेकिन आपको आगे जाके पॉजिटिव संकेत दिखाएगा। और जिसके अंदर हमें पता ही नहीं है कि लोग GTL इंफ्रा के पीछे पड़ गए हैं, पैनी स्टॉक है छोटा इसलिए सब पढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है सर इसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी न्यूज तो आओ जिसकी वजह से हमें अंदर से लगी हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सर अभी कमेंट भी आया था GTL इंफ्रा के शेयर ले लें, तो सर मैंने खुद भी 1000 ही शेयर ले रखे, मैं तो इतने शेयर के लिए ही नहीं, मैं तो ले नहीं सकता क्योंकि मुझे पता अगर ये 500, 700, 1000 हो वो 1000 ही बहुत हो जाएंगे, अगर वो 1000 जाएंगे तो कितने चल जाएंगे हमारे। तो इस तरीके से भी हमें वर्क करना पड़े, जरूरी नहीं कि पैसा ज़्यादा वाला ही पैसा कमा सकता है, कम पैसे वाला भी अगर दिमाग लगाए काफ़ी पैसा कमा सकता है। निकलना और एंट्री करना ही तो हमें आना चाहिए, यही चीज़ तो चलती है इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए HFCL बेस्ट है, 2-3 साल का वेट कर लो, उससे पहले भी ये तेजी आपको अच्छी से दिखा सकता है जिस तरीके से ये काम करता जा रहा है। और GTL इंफ्रा आपको तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इसके अंदर, इसके तो उम्मीद ही नहीं बन रही। इसमें कुछ जगह तो सर एक चीज़ होती है ना कि कोई ड्राइवर कार चला रहा है उसके आगे का रास्ता तो दिखे, आप भी कहीं जाओगे आपको आगे का रास्ता तो देखना चाहिए कि भाई यहाँ इससे आगे मैं निकल सकता। धुंध भी होती है ना तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आगे दिख जाता है, लेकिन ये तो धुंध से भी खतरनाक शेयर है, ये तो पूरा अंधेरा है, गुप अंधेरा है, इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं कि आगे होगा क्या। तो इसलिए लोग जो भी आपको इसके अंदर बहुत बड़ी पोजीशन की तरह वीडियो बना लेते हैं उसमें आप ये समझो कि अगर इसके अंदर 2-4 कदम चलने के बाद आगे का दिखता तभी तो हम आगे इसके अंदर कदम बढ़ाएंगे। तो काफ़ी लोग कहते हैं सर GTL इंफ्रा में वीडियो बनाओ, तो फिर सर मैं आपको इसी तरह समझाना पड़ जाता है इसके अंदर। इसके अंदर अगर धुंध वाला भी हिसाब होता ना कि थोड़ा दूर चलना है फिर कुछ दिखे, तब भी एक अच्छी संकेत इसके अंदर हमारे बन जाते हैं, हाँ भाई इसको हम खरीद सकते हैं क्योंकि हमें आगे का दिख रहा है। अब आगे का इसके अंदर सुनने दिख रहा है, अब क्या सुनने में हम आपको बताएं, सुनने में तो फिर वो तुक्का ही लगेगा 1000 शेयर होगा, तो वो तुक्का आपको इसके अंदर तो बिठाना ही चाहिए। लेकिन ज़्यादा शेयर का तुक्का अगर इसके अंदर लगाया तो कहीं ना कहीं वो दिल पे मुक्का लग जाएगा सर, ये भी ध्यान रखना आप मेरी बात। तो बात करते हैं GMR इंफ्रा की, काफ़ी तेज़ी में शेयर आपको संकेत दिखा सकता है जिस तरीके से ये ऊर्जा और पावर के क्षेत्र में है और हवाई अड्डा भी ये इनके हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपनी संभावना को अच्छी तलाश कर रहा है सर। इन्होंने अभी 6000 करोड़ रुपये जुटाने का, यानी कि विदेशी मुद्रा बॉन्ड के द्वारा या प्रतिभूतियों के द्वारा 6000 करोड़ रुपये ये जुटाने की मंजूरी मिल गई है। अब ये इन पैसों को सर ये अपने विस्तार के लिए और जो हैदराबाद, गोवा और दिल्ली एयरपोर्ट हैं उनके जो नज़दीकी वाणिज्य इनका जो क्षेत्र है उसके अंदर ये एयरपोर्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो आगे के प्लानिंग है बहुत ही पॉजिटिव निकलकर मुझे आ रही है। और GMR इंफ्रा जिस तरीके से अब एयरपोर्ट पर भी काम कर रहा है, एयरपोर्ट पर भी आना जाना लगा रहेगा और ये अपनी एयरपोर्ट सिटी में ही अपनी एक एयरपोर्ट सिटी बना रहे हैं, वाणिज्य जो इनकी ज़मीन है उसके अंदर एयरपोर्ट सिटी ये बना रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने 6000 करोड़ रुपए और अलग काम के लिए इस तरीके से काम इन्होंने कर दिया है। तो यानी कि ये आने वाले दिनों में आपको मेरे ख्याल से सर 50 तक तो लेवल ये दिखा ही सकता है कुछ ही महीनों में, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा सर। तो GMR इंफ्रा एक बेस्ट शेयर है जिस तरीके से इनका वर्क भी है, और काफ़ी ये अपना दिमाग अब अक्षय ऊर्जा की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा सर। एक छोटी सी न्यूज आई थी क्योंकि इन्होंने 6000 करोड़ रुपये जुटाने का एक प्रयास, एक वो मंजूरी इनको मिल गई है। तो आप ये भी देखना है कि आने वाले दिनों में इनके अंदर जो तेजी के संकेत आएंगे वो इस न्यूज से आ सकते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो GTL इंफ्रा में आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि तुक्का बिल्कुल ना लगाना, जो दिल पे मुक्का लग सकता है। और HFCL में हाँ, अगर आपने शेयरों को लिया ये 5-7 रुपये नीचे गया तो टेंशन नहीं, इसके अंदर बात हो ही नहीं सकती जिस तरीके से इसने पार्टनरशिप बड़े बड़े लोगों से कर ली है और अब 650 करोड़ रुपए भी ये जुटा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेत हमें आगे के लिए दिखा रहा है सर। तो कुछ भी शुरुआत हमारी होगी सुनने से होगी सर, ये भी ध्यान रखना। बच्चा जब पैदा होता है ना उसे बोलना भी नहीं आता, उसे देखना भी नहीं आता कहाँ देखना है, उसे मुड़ना भी नहीं आता, सब पता है बच्चे सबके घर पर होते हैं। तो इसलिए जो भगवान का रूप है ना एक बच्चा होता है, मैं आपको ध्यान बच्चे के, मैं आपको बच्चे के लिए इतना क्यों बोलता हूँ क्योंकि एक तो छोटा बच्चा और एक वृद्ध जो 80-85 साल से ऊपर हो जाए वो भी भगवान का रूप बन जाता है, मैं आपको बता दूँ। तो ध्यान रखिए, अपने को अच्छा कीजिए, जीरो से ही शुरुआत कीजिए और किसी की बातों में आने से पहले उसकी बातों को जांच लीजिए, यही एक अच्छी परख होती है शेयर मार्केट की। तो GTL इंफ्रा से थोड़ी दूरी, HFCL से नज़दीकी और GM इंफ्रा आप करके आ रहा है उसके अंदर आपको अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो चिट्ठी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलट देंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।